बीना थाना प्रांगण में विधायक के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कांग्रेसी कार्यकर्ता पर हुई एफआईआर पर खात्मा लगाने की मांग। अंबेडकर तिराहे पर कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजा माधव के द्वारा विधायक व नगर पालिका को लेकर कहे गए शब्दों के बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता के भाषण को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष की शिकायत पर बीना थाने में राजा माधव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वही अब कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता सामने आ गए। उन्होंने बीना थाना प्रांगण में विधायक महेश राय के खिलाफ नारेबाजी की और मामले में खात्मा लगाने की मांग को लेकर थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंबेडकर तिराहे पर कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह विधायक महेश राय के शब्द थे, जो विधायक ने एक कार्यक्रम के दौरान कहे थे। इस दौरान इंदर सिंह यादव, इंदर सिंह ठाकुर, अनुराग ठाकुर, बासु यादव, आशीष चौबे, खुशीलाल अहिरवार, ममता अहिरवार, शुभकुल पंती सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसके विरुद्ध में बीना कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे जनता के सामने। उसी दौरान हमारे कार्यकर्ता राजा माधव जी ने अपनी बात रखी और बात रखने के दौरान उनका आशय मूल यह था कि विधायक जी जिस तरह से पिछले दिनों कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बात उन्होंने कही कि अस्पताल कैयासी काटा है या कुछ और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बारे में उन्होंने एक जुगाड़ शब्द का उपयोग किया, तो वो उसी को कह रहे थे। उनका आशय किसी को किसी की मानहानि का या किसी प्रकार से उनकी संवेदनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। वो तो एक तर्कसंगत बात रख रहे थे। जो शब्दों का भी उन्होंने उच्चारण किया वो शब्द पूर्व में विधायक जी द्वारा उच्चारित किए जा चुके। उनका कहने का मूल आशय यही था, उनका किसी भी प्रकार से किसी की मानहानि का नहीं था, लेकिन चूंकि उनकी सत्ता है इसलिए उन्होंने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एक झूठा केस लगवा दिया, जबकि उस पर कोई केस बनता नहीं। वो थोड़ी शब्दों में वो हो सकती है, ऐसे तो एक बार मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो कभी कभी हो जाता है टंग स्लिप, लेकिन उसका आशय बिल्कुल भी नहीं था। वो इसके दौरान सीधा विधायक जी के जो शब्द थे या जो उन्होंने इसके पहले जो भी कथन कहे थे उसकी बात कह रहा था। आगामी मांग यह है कि चूंकि केस झूठा है उसका आशय किसी की मानहानि करने का या चोट पहुँचाने का नहीं था भावनाओं को, तो वो केस निरस्त किया जाए और उसे समाप्त किया जाए।